नमस्कार दोस्तों, तो कैसे है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ है मेरा फ्रेंड जोधू भाई। तो हम जा रहे हैं आज फौजी भाई की शादी में। अभी हूँ मैं कचहले मार्केट पे। तो दिन स्टार्ट करते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ होने वाला है दिन भर, और पहाड़ों में किस प्रकार शादियाँ होती हैं मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा हमारे ऐसे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग के लिए। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हूँ मैं कचहले मार्केट पे भोलेनाथ मंदिर में, और नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। ये सामने मुक्तेश्वर घाटी, अभी सुबह का माहौल है, सुबह के नज़ारे देखिए। मुक्तेश्वर घाटी के पास में बढ़िया हिमालय दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, काफ़ी मस्त हिमालय, काफ़ी क्लीन हिमालय देखने को मिल रहा है आज मुक्तेश्वर घाटी के पास से ही। तो मैं कचहले मार्केट में अभी हूँ, तो ये है नज़ारे कचहले मार्केट पर। तो करते हैं अपनी शुरुआत आज के दिन। तो हम वेट कर रहे थे, बारात आ चुकी है, अब देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी बारात किस तरह होती है। ये है हमारे फौजी भाई जिनकी शादी में हम जा रहे हैं। धीरू भाई कौन गए? दादी लोग और ठीक ठाक। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये है हमारे फौजी भाई जिनकी शादी पे हम जा रहे हैं। तो इस तरह पहाड़ों पे शादी होती है। कौन गए ऐसा भाई? थैंक यू। हेलो हेलो। भटेला मार्केट में, ये है हमारी भटेला मार्केट। साथ में मेरे फ्रेंड लोग हैं और हम वेट कर रहे हैं अभी बारात का। तो बारात आ जाती है, हमने जाना है सामने, ये है धानाचुली एरिया। तो धानाचुली पे हमने जाना है, तो वेट करते हैं बारात का। तो दोस्तों बारात पहुंच चुकी है धानाचुली मार्केट पे। अभी हम लोग हैं धानाचुली मार्केट में, और यहाँ से दुल्हन के घर जाएंगे। पैदल रास्ता है, इस रास्ते से अभी बारात जाएगी। तो दोस्तों मार्केट से निकल चुके हैं, पैदल पैदल हम चल रहे हैं। आगे से मेरे फ्रेंड लोग जा रहे हैं, नीचे जो मकान दिख रहा है इससे भी नीचे वाली साइड हमने जाना है। काफ़ी दूर है रोड से, हम चल रहे हैं अभी दुल्हन के घर। थोड़ी बारात आगे पहुंच चुकी है, बाकी बाराती थोड़े पीछे ही हैं अभी। तो चल रहे हैं धीरे धीरे सभी लोग, और जो एक घर देख रहे हैं दोस्तों, इस घर से नीचे है। तो फाइनली दोस्तों हम शादी वाले घर पर पहुँच चुके हैं। इस प्रकार का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, आप देखिए। और सामने जो एरिया आप देख रहे हैं, ये है परबड़ा एरिया। परबड़ा के ठीक नीचे गधेरे पे ये शादी वाला घर पड़ रहा है अभी। और सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कुछ लोग अभी पीजी से आ रहे हैं, और सभी अपने मस्त माहौल में, मस्त मूड में हैं अभी। दुल्हन के घर एकदम पहुँच चुके हैं, इसके बाद फ्रेंड अभी है लंच टाइम, सभी लोग लंच कर रहे हैं, और इसी तरह बैठ के गोल तरीके से एकदम बैठ के देखिए ज़मीन में। इसी तरह पहाड़ों पे जब भी कोई फंक्शन होता है, इसी तरह सभी को खाना खिलाया जाता है। जितना एक बार में यहाँ पर आ पाएंगे करीब 20-30 लोग, तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही खाएंगे। तो दोस्तों लंच कर लिया, और मैं आया हूँ यहाँ पर जहाँ पर जयमाला कार्यक्रम हो रहा है, और सभी लोग यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस तरीके से पहाड़ों पे शादियाँ होती हैं। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में शेयर करिएगा। ये हमारे फौजी भाई और उनकी दुल्हन, हम भी इनको शादी की खूब ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, और पूरे YouTube परिवार की तरह इन्हें शुभकामनाएँ देते हैं। तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं दोस्तों अभी, सभी लोग यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों जयमाला कार्यक्रम के बाद शादी का जो कार्यक्रम होते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सामने देखिए दूल्हा दुल्हन सामने में बैठे हैं, और सभी लोग यहाँ पे शादी देख रहे हैं किस तरीके से शादी होती है। ये देखिए, तो इस तरीके से पहाड़ों में दोस्तों शादियाँ होती हैं। और ये सभी मेरे दोस्त लोग जो हम सभी बाराती आए हुए हैं, सभी लोग अभी शादी होते हुए देख रहे हैं।
और अभी दोस्तों शाम का समय है तो शादी लगभग हो चुकी है, कुछ रस्में जो हैं अभी बची हुई हैं जो पूरा होंगी और इसके बाद बारात निकलेगी घर के लिए। और देखिए दोस्तों बारात अभी निकलने वाली है, तैयारी शुरू हो चुकी है और अंकल जी को देखिए मस्त डांस इनका शुरू हो चुका है। तो थोड़ी देर में सभी लोग घरों को जाएंगे, हम भी धीरे धीरे आगे निकल लेते हैं क्योंकि बारात अब धीरे धीरे घर को आने लगेगी, क्योंकि लगभग कार्यक्रम जितने भी होते हैं शादी में जितनी भी रस्में होती हैं लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और बारात विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और व्यू देखिए काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है, हम शादी वाले घर से घर की तरफ आने लगे हैं और इस तरफ को देखिए सनसेट हो रहा है, काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है अभी। मैं दिखाता हूँ आपको सनसेट, ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारे हैं, दोनों तरफ गेहूं बोए हुए हैं और देखिए सामने नज़ारा काफ़ी खूबसूरत सनसेट हो रहा है। अभी हमने भी काफ़ी ऊपर जाना है रोड पे, व्यू में मज़ा आ गया फ्रेंड, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में शेयर करिएगा। और देखिए धीरे धीरे सभी लोग जा रहे हैं, हम भी आ चुके हैं शादी वाले घर से, कुछ लोग तो आगे चले गए और कुछ लोग अभी बारात के संग आएंगे। और देखिए मस्त गेहूं बोए हुए हैं, काफ़ी बढ़िया ग्रीनरी अभी दिख रही है, शाम का समय है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और ये देखिए एकदम पहाड़ी ऑर्गेनिक लहसुन यहाँ पर लगाया हुआ है और सामने नींबू का पेड़ है और लच्छू उसको तोड़ने में नींबू उससे तोड़ रहा है। ये देखिए नींबू लगे हुए हैं तो नींबू तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ऊपर का जो एरिया देख रहे हैं आप तो यहाँ पे है रोड, तो थोड़ा बहुत और रह गया है तो पहुँचते हैं रोड पे। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ धानाचूली मार्केट में, धीरे धीरे पीछे से बारात आ जाएगी और फ़ोन में भी बैटरी ख़त्म होने वाली है तो आगे शूट हो नहीं पाएगा। ये था हमारा ब्लॉग आज का, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।